मैं दिनेश, स्वागत है आपका डीवी टेक इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने बैंक खाते से जियो का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आपका खाता बैंक में है और आपके पास उस बैंक खाते का एटीएम कार्ड है तो आप अपने जियो सिम पर रिचार्ज अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस खाते का आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए तो आप अपने घर बैठे रिचार्ज अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपके पास है एटीएम कार्ड तो आप आसानी से अपने मोबाइल से ही अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डीवी टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, एटीएम कार्ड से जियो का रिचार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में होना चाहिए माय जियो एप्लीकेशन, जो मैंने पहले से ही, और पहली बात तो आपके फ़ोन में होगी ही, सभी डाउनलोड किए रहते हैं, तो अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और माय जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, माय जियो ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ आपको कॉर्नर में थ्री लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा रिचार्ज लिखा हुआ, यहाँ रिचार्ज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले आपको मिल जाएगा अपना नंबर रिचार्ज करें, दोस्त के लिए रिचार्ज करें, आप किसी और के भी सिम को रिचार्ज कर सकते हैं अपने ही फ़ोन से। हमें अपना नंबर रिचार्ज करना है तो अपना नंबर रिचार्ज करें पर क्लिक करेंगे, दोस्त के नंबर को रिचार्ज करना तो उस पर क्लिक करेंगे, दोस्त का नंबर डालेंगे, उसके बाद आगे डालेंगे। हम अपना रिचार्ज करके दिखाते हैं आपको, अपना नंबर रिचार्ज करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, स्पीड कुछ स्लो है नेट की, इसलिए प्रोसेसिंग ले रहा है, मैं पॉज कर देता हूँ। अपना नंबर रिचार्ज करें पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ प्लान शो हो जाएंगे, आपको कौन से प्लान का रिचार्ज करना है। 2599, 2399, 599, 2 GB प्रतिदिन वाले रिचार्ज हैं। हमें 1.5 GB प्रतिदिन वाला करना है तो आप नीचे दिए हुए हैं 1.5 GB प्रति डे पैक, 1 GB प्रति डे पैक, 3 GB प्रति डे पैक, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1.5 GB पर क्लिक करेंगे तो 1.5 GB वायरस वाले प्लान यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ जैसा कि 2100 रुपये में 336 दिन के लिए, 555 में 84 दिन के लिए शो हो रहा है, 399 में 56 दिन के लिए। तो जैसा कि मैं 555 वाला 84 दिन वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद नीचे ब्लू कलर में बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पेमेंट के पेमेंट पेज पर पहुँच जाएंगे, आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है वो पूछेगा। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, मोबीक्विक से भी कर सकते हैं। तो हमें एटीएम कार्ड से पेमेंट करना है। मैंने पहले रिचार्ज किया तो मेरे 2 एटीएम कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मैंने इनसे रिचार्ज कर चुका हूँ मैं, तो चाहे तो मैं इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो हमें एक नए एटीएम कार्ड से रिचार्ज करना है तो नीचे जैसा कि ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, डेबिट कार्ड / एटीएम कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके कार्ड की डिटेल मांगेगा, यहाँ फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कार्ड नंबर, इसमें आपको कार्ड नंबर डाल देना है अपना। दूसरा, यहाँ एक्सपायरी मंथ, आपके कार्ड पर जो एक्सपायरी मंथ दी हुई हो उसका मंथ डाल लेना है यहाँ पर, और यहाँ एक्सपायरी ईयर डाल लेनी है, जो जिस ईयर में आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होता हो वो डेट पड़ी होगी, और यहाँ लास्ट में CVV कोड, यहाँ पर 3 डिजिट का CVV कोड एटीएम कार्ड के बैक साइड पर होता है, उसे यहाँ डाल लेना, और नाम ऑफ द कार्ड लास्ट में, यहाँ पर जो कार्ड पर आपके कार्ड पर नाम दिया हुआ हो उस कार्ड के नाम को डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर क्लिक कर देना है, नीचे पे का ऑप्शन दिया हुआ है, पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके एटीएम कार्ड के साथ जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके OTP वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, उस नंबर पे आया हुआ OTP आपको यहाँ फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देंगे OTP डालकर, और आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके बैंक खाते से जितने का रिचार्ज किया उतने पैसे कट जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपके खाते से छेड़छाड़ नहीं होती है, आपका खाता बिल्कुल सिक्योर रहता है। कोई कहता है कि एटीएम से रिचार्ज करो पैसा वैसा कि कट जाएंगे, ज़्यादा कटेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहता है, जितने का आप रिचार्ज करते हैं
उतने का उतना बैलेंस ही आपके खाते से कटेगा। आई हैव दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जियो का रिचार्ज आसानी से कर पाएंगे अपने ही मोबाइल से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।